जय हिंद। देखिए एथेनॉल ब्लेंडिंग क्या होता है और इसके लिए फ्लेक्सी फ्यूल ही क्यों जरूरी है, इंजन में क्यों बदलाव किए जाते हैं और इसके मद्देनजर भारत सरकार चीनी के निर्यात पर पूरी तरह बैन लगा दिया है, जबकि भारत के पास वर्तमान समय में 8 मिलियन टन चीनी गोदामों में रखा हुआ है, अर्थात भारत के पास चीनी की कोई कमी नहीं। तो पूरे चीजों को हम समझते हैं। देखिए एथेनॉल ब्लेंडिंग मतलब क्या होता है, पेट्रोल में जब इथेनॉल मिला दिया जाता है, इथाइल अल्कोहल, तो उसे मिक्सचर ना बोल के ब्लेंडिंग बोला जाता है। ये फायदेमंद होता है, इससे थोड़ा सा पेट्रोल का पैसे बच जाते हैं। इसमें 85% जो होता है वो पेट्रोल होता है, 15% जो होता है इसमें इथेनॉल होता है। हालांकि भारत सरकार का टारगेट है कि 2025 तक इसे 20% इसमें एथेनॉल मिला देना है, और एथेनॉल मिलाने की क्रिया को एथेनॉल ब्लेंडिंग कहते हैं। ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्योंकि भारत के पास बहुत ज्यादा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज है। हमारे पास दुनिया में 3rd नंबर पे हम लोग आते हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर में। हमारे भारत में कई अलग अलग टाइप की व्हीकल्स बनते हैं, जिसमें 26 मिलियन व्हीकल्स पर ईयर भारत में बनाए जाते हैं। इस 26 मिलियन व्हीकल में से लगभग 5 मिलियन व्हीकल्स हर साल हम लोग निर्यात कर देते हैं। तो हम लोग के पास जो 26 मिलियन जो बच रहा है, यहाँ पे टोटल ओवरऑल मतलब अगर भारत में देखेंगे तो लगभग 20 मिलियन गाड़ियां हर साल बन रही हैं, और उसमें जो फ्यूल पड़ रहा है वो पेट्रोल से आ रहा है, और पेट्रोल हमारे पास तो होता नहीं। हम लोग 80% पेट्रोल जो है वो बाहर से ही मंगाते हैं। अब जो पेट्रोल बाहर से आ रहा है वो तेल के कुएं या रिग से आ रहा है, ये गल्फ कंट्री के पास है, इन्हें हम लोग कच्चा तेल खरीदते हैं जिसे क्रूड ऑयल कहते हैं, बैरल यानी बैरल में इसे खरीदा जाता है, फिर इसे रिफाइनरी में छानकर पेट्रोल पंप तक पहुंचाया जाता है। इससे क्या है कि हम लोगों का एक बहुत बड़ा पैसा विदेशियों के पास चला जाता है कच्चा तेल खरीदने में। आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि भारत सरकार प्रति साल कितना विदेशी लोगों को यानी गल्फ कंट्रियों को कच्चे तेल के बदले पैसा देती है, $65 बिलियन देती है। $65 बिलियन कितना हो गया, 50 अरब 41 अरब 17 करोड़ 57 लाख 50 हजार रुपए प्रति साल भारत सरकार का पैसा जाता है। हम लोग टैक्स क्लियर का पैसा विदेशियों के पास चला जाता है, जो केवल जमीन से निकाल के पेट्रोल दे देते हैं। अब सोचिए ना, जैसे हम लोग के यहाँ अगर कोई पानी खरीदता 60 रुपया लीटर तो कितना अमीर हो जाते हैं हम लोग। तो इतना पैसा जाता है, सोचिए अगर इस पैसे का हम 20% टारगेट रखे हैं कि इसमें पेट्रोल की जगह इथेनॉल मिला देंगे, तो इसका 20% कमी आएगी ना। सोच सकते निकालते रहिएगा इसका 20% कितना ज्यादा होता है। इसीलिए हम लोग एथेनॉल को कर रहे हैं, और एक बार एथेनॉल सक्सेस हो गया ना तो 20% की जगह 30% करेंगे, 30% की जगह 50% कर देंगे, और धीरे धीरे करके 80% कर देंगे। तो 80% कर देंगे तो इन लोग को पैसा देने की जरूरत क्यों है, एथेनॉल हम लोग खुद ही बना सकते हैं। ये नहीं बना सकता है एथेनॉल, इन लोग को उतना टेक्नोलॉजी नहीं है। एथेनॉल जो होता है C2H5OH होता है एथेनॉल, इसे इथाइल अल्कोहल कहा जाता है, इसका IUPAC नाम एथेनॉल हो जाता है। शराब बनाने के काम में यही आता है, शराब में भी इथेनॉल ही मिलाया गया रहता है। और जो हम लोग देखते होंगे सैनिटाइजर होता है, उसमें भी देखिएगा 70% एथेनॉल लिखा रहता है, सैनिटाइजर में भी एथेनॉल ही होता है। इसे फर्मेंटेशन यानी किण्वन विधि द्वारा बनाया जाता है, और इसे पेट्रोल में क्या किया जाएगा, मिक्स कर दिया जाएगा। टारगेट है 20% को मिक्स करने का, अगर ये सक्सेस हो गया तो इसे बढ़ा के हम लोग 50% भी ले जा सकते हैं। लेकिन जब बढ़ाएंगे लोग तो उसके लिए हम लोगों को अपने इंजन में बदलाव करना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो हमारी इंजन है वो कंप्लीट डीजल और पेट्रोल पे चलने के लिए डिजाइन की गई है। लेकिन जब हम लोग उसमें एथेनॉल मिलाएंगे तो इंजन में हल्का चेंजिंग करना पड़ेगा। ऐसे इंजन के लिए हम लोग फ्लेक्सिबल इंजन बनाते हैं, और उसमें जो फ्यूल पड़ेगा फ्लेक्सी फ्यूल। तो भारत सरकार का भी सख्त निर्देश देने वाली है कंपनियों को कि उनको एक टाइमलाइन दे दिया जाएगा कि इसके बाद आपको फ्लेक्सी फ्यूल वाले इंजन यानी फ्लेक्स इंजन ही बनाने पड़ेंगे। याद कीजिए 2018 का जब समय था, 2017 में 17 के लास्ट में सरकार ने कह दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया था कि अब BS3 की गाड़ियां नहीं चलेंगी, सब चलेंगी BS4। रातों रात बेच के हटाना पड़ा कंपनियों को। उसी तरह सरकार भी इन लोगों को अभी वार्निंग दे रही है, फिर कभी सख्त आदेश देगी, उसके बाद एक बार फैसला सुना देगी, तो सारी कंपनियों को अपने BS6 के जगह फ्लेक्सी फ्यूल डालना पड़ेगा। इससे काफी ज्यादा फायदा होता है फ्लेक्सी फ्यूल से। सबसे पहला कि प्राइस घट जाएगा, पेट्रोलियम का प्राइस इसलिए घटेगा क्योंकि बाहर से मंगाना नहीं है, हम लोग का प्राइस घट जाएगा। दूसरा कि फ्लेक्सी फ्यूल अगर रहेगा, एथेनॉल रहेगा, तो एथेनॉल में पोल्यूशन कम होता है। आज जो ग्लोबल वार्मिंग प्रदूषण की समस्याओं को हम लोग लेके झूल रहे हैं, उनके लिए एक काफी अच्छा ये किफायती रास्ता हो जाएगा हम लोग के लिए एथेनॉल ब्लेंडिंग। और इसके लिए हम लोग को एथेनॉल का प्रोडक्शन बहुत बढ़ाना पड़ेगा, प्रति वर्ष 500 करोड़ लीटर एथेनॉल का उत्पादन करना पड़ेगा। सोचिए 500 करोड़ लीटर। अब इतना एथेनॉल का उत्पादन करेंगे तो रोजगार भी मिलेगा। बाहर अगर अकेले बिहार में 4 से 5 एथेनॉल प्लांट लगा दिए गए, इससे हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। देखिए रोजगार डायरेक्ट कम दिखता है, इनडायरेक्ट में बहुत ज्यादा लोगों को रोजगार दिखता है। तो कहीं पे भी अगर देखिएगा किसी एरिया में अगर वहाँ 20 फैक्ट्री आ गई ना, 20 फैक्ट्री, तो कम से कम 10,000 लोगों को रोजगार मिल जाएगा। तो आप ये मत देखिए कि 500 करोड़ लीटर प्रति वर्ष, इससे डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत लोगों को
रोजगार मिलेगा, क्योंकि उसका एक पूरी तरह सप्लाई चेन बन जाएगा। कैसे कि एथेनॉल बनता कैसे है, अनाज को सड़ाकर, यानी जो हम अनाज फेंकते हैं ना उसी को सड़ा के एथेनॉल बना लिया जाता है। तो एक तो वेस्ट बचेगा हम लोग के यहाँ, दूसरा इसे गन्ना से बनाया जा सकता है। चावल जो टूट जाता है बाजार में सस्ते दाम पर बिक जाता है, किसान का चावल टूट गया तो उसको खुद ही बन जाता है, तो उसी चावल को सड़ा के एथेनॉल बना लेता है। मक्का जो है इसका कोई भाव नहीं मिलता है, 6 रुपए किलो किसान का मक्का सरकार को, किसान बेचने के लिए मजबूर हो जाता है 6 रुपए किलो। अब उसको ना छुपाया कैसे जाता है, किसानों को बेवकूफ कैसे बनाया जाता है, तो सरकार कहती है हम 6 रुपया नहीं ना खरीद रहे हैं, हम 600 रुपया प्रति 100 केजी यानी प्रति क्विंटल खरीद रहे हैं। अजब हाल है भैया, 1 रुपया 6 रुपया ना किलो पड़ा, तो किसान को 100 रुपया का भाव कौन चीज बताता है, 1 किलो का बताओ ना, आम आदमी को भी समझ में आता कि तब ना लोग सवाल उठाएंगे कि किसानों का इतना दुर्दशा क्यों है। आप सोचिए, आप एक ठो मक्का खरीदिएगा ना, एक ठो ठेला पे से, तो 5 रुपया 10 रुपया का मिलेगा, और किसान से 1 किलो खरीद लिया जाता है और बेचारा उसको इतना दिया 6 रुपया किलो मजबूर है। लेकिन जब इस मक्के का उपयोग किया जाएगा एथेनॉल बनाने में, तो किसान भी अपना बढ़िया दाम में बेचेगा यहाँ पर, क्योंकि इसका प्रोडक्शन होने लगेगा। जौ कोई बोलता नहीं है जल्दी, हमारे यहाँ पराली जो जला दिया जाता है, धान की भूसी जो होती है या फिर जो पुआल होता है जला दिया, तो उसे सड़ा के एथेनॉल बना लिया जाएगा। अब इतना एथेनॉल बनेगा तो रोजगार भी मिलेगा, और हम लोग जो पेट्रोल खरीदते हैं उससे अच्छा हम किसानों से खरीदेंगे। जो पैसा आज हमारा फॉरेन रिजर्व गल्फ कंट्रियों को जाता है पेट्रोलियम के भुगतान करने के लिए, वो पैसा हमारे किसानों के आ जाएगा, किसान आगे बढ़ेंगे हमारे यहाँ, उनके बाल बच्चे पढ़ेंगे, वो भी आगे बढ़ेंगे यहाँ पर, तो ये देश के लिए काफी अच्छा होगा। इसलिए भारत सरकार को इस पर बहुत ज्यादा मतलब प्राइम फोकस करके रखा हुआ है भारत सरकार। लेकिन एक बार जरा अपने दिमाग से सोचिए, ये चीज तो पूरी दुनिया में सक्सेस है और भारत में भी सक्सेस होगी, तो धीरे धीरे गन्ना शिफ्ट हो जाएगा किधर, एथेनॉल प्लांट में। और जैसे गन्ना ज्यादा एथेनॉल प्लांट में शिफ्ट होगा, चीनी का उत्पाद, चीनी का प्रोडक्शन घटेगा, उसका प्राइस बढ़ जाएगा। तो भारत सरकार को एथेनॉल और चीनी दोनों को बैलेंस करना है, इसलिए भारत सरकार ने चीनी के निर्यात पर बैन लगा दिया, ताकि हम चीनी बेचेंगे ही नहीं, क्योंकि फिलहाल जो चीनी है उसी को हम लोग स्टॉक करके रखेंगे, ताकि हम जो आने वाले सीजन में जो गन्ना निकलेगा उसमें ज्यादातर गन्ने को एथेनॉल प्लांट में भेजा जाएगा। अब ज्यादातर को भेज देंगे चीनी के लिए नहीं बचेगा, भारत में महामारी हो, पूरा भयानक कम महंगाई है भारत में, चीनियों महंगा हो जाएगा यहाँ पर, इसलिए इस पे निर्यात पर रोक लगाया गया। हालांकि भारत में चीनी का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, चीनी का प्रोडक्शन 35 मिलियन टन है हम लोग के पास, चीनी का प्रोडक्शन, हालांकि इसका उत्पादन जो है वो 27 मिलियन टन है, यानी 8 मिलियन टन एक्स्ट्रा हमारे पास है, 35 मिलियन टन उत्पादन है, 27 मिलियन टन चीनी का उपभोग है। चीनी का डेली रेगुलर बेसिस पे उपभोग होता है हम लोग के यहाँ, चाय में होता है, बिस्किट में होता है, तरह तरह की कैंडी, मिठाइयाँ छोटे बच्चों के लिए खाने के लिए आता है, लेमचू सुमचू यहाँ पर मिठाई देखिएगा, जलेबी, रसगुल्ला, जितना सब चीज में चीनी पड़ता है हमारे यहाँ चीनी। और जो पैकेट वाली सामान बिकते हैं, कभी जानता होगा सब, हम लोग को कौन सी पता ही सब वो सबको, तो यहाँ पे जो है ना ये इस सब में चीनी पड़ता है, तो चीनी का हमारे यहाँ डिमांड बहुत ज्यादा है, 27 मिलियन टन प्रति वर्ष डिमांड है। तो हम लोग के पास 35 मिलियन टन उत्पादन है, 27 मिलियन टन खर्च है, यानी बफर स्टॉक में हम लोग के पास अभी भी 8 मिलियन टन जमा है। बफर स्टॉक किसे कहते हैं, सरकार जो अनाज को सरप्लस उत्पादन के समय जमा कर लेती है गोदामों में, उसे बफर स्टॉक कहा जाता है। बफर स्टॉक रखने की जिम्मेदारी फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया को है, FCI को है, बड़े बड़े गोदाम होते हैं इसी में रखा जाता है, छोटा मोटा नहीं बड़ा सा गोदाम होता है, इसे ही कहा जाता है बफर स्टॉक। इसलिए भारत सरकार क्या की है, फ्यूचर प्लानिंग में बैलेंस न गड़बड़ाए महंगाई का और सप्लाई का, इसलिए इस पर बैन लगा दिया गया। अभी आप देखे होंगे चीनी पे बैन लगा दिया गया, गेहूं पे बैन लगा दिया गया, चावल पर बैन लगा दिया, क्योंकि टूटे हुए चावल से भी मेथनॉल बन जाता है। अभी तुर्की जो है गेहूं को वापस कर दिया, देखिए बहाना करके कि इसमें वायरस था, तो जो अफगानिस्तान के लोगों के लिए वायरस नहीं है, प्लीज गेहूं दे दीजिए, ये लोग को बहुत बड़ा दिमाग हुआ है। ये एक्चुअली देखिए क्या है कि तुर्की क्या देख रहा है कि वो रूस के करीब है, तुर्की जो है वो अमेरिका को बैलेंस करके चल रहा है यूएसए को चिढ़ाने के लिए, क्योंकि तुर्की जो है रूस से सटा हुआ है और रूस के पास गेहूं की कोई दिक्कत नहीं है, और रूस के इस एरिया में चेचन्या वाले एरिया में आराम से ट्रक से गेहूं आ सकता है तुर्की में, तो ये देख रहा है कि इसी बहाने हम तुर्की देख रहा है रूस से व्यापार बढ़ा लेंगे और अपने आप को हीरो बनने के लिए भारत का गेहूं वापस कर दिया है। यही गलती किया था मलेशिया, यही गलती किया था इंडोनेशिया, पाम ऑयल को लेकर इनको घमंड हो गया था पाम ऑयल का, आज इनका पाम ऑयल कोई खरीद ही नहीं रहा है यहाँ पर, तो ये लोग कि पाम ऑयल खरीद लो। देखिए इंटरनेशनल रिलेशन में ईगो नहीं दिखाना चाहिए इनको, ज्यादा ईगो इनको महंगा पड़ जाएगा वहां पे, मतलब गेहूं कौन मार, हम लोग के यहाँ गोदाम का कमी है,
तो आप ये समझ गए होंगे कि एथेनॉल ब्लेंडिंग क्या है, फ्लेक्सी फ्यूल क्या है और क्यों हम लोग इसको ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं। ये अच्छा भी है, हमारे बचे हुए खाना या जो अनाज बर्बाद हो जाते हैं, अनाज टूट फूट जाते हैं जैसे चावल वगैरह का दाना, तो उसे इजीली इसे दोबारा फर्मेंटेशन यानी किण्वन करके बनाया जा सकता है, जो काफी अच्छा भी है। यहाँ पर इससे देश को भी फायदा होगा, फॉरेन रिजर्व बचेगा। और आप लोग के लिए जितना भी एप्लीकेशन से क्लासेज है वो सब एनरोल कर दिए गए, दोबारा एक्सेस दे दिया जाएगा आप लोग को। और ये अभी नए बैचेज काफी ज्यादा आ गए हैं एप्लीकेशन पे, आप लोग को जिनका भी नियर में एग्जाम है वो लोग जाके इस पे एनरोल हो जाएंगे आप लोग को, आंसर ऑफिशियल एप्लीकेशन। और जितना जल्दी से जल्दी हो आप लोग जल्दी जल्दी सेटल होइए, नौकरी लीजिए, जल्दी से माँ बाप का सपना पूरा कीजिए। आई होप आप इस टॉपिक को समझ गए होंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो